एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जस्ट नाश्ता की हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर बैठी हूँ तो सोची कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और मैं देख रही थी फिल्म, मतलब नेट से फिल्म लगाई हूँ, पुराने ज़माने का फिल्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइन अभी ऑफ की हूँ इसलिए पसीना हो रहा है। और इतना अच्छा फिल्म है मत बोलिए। तो उस फिल्म का मैं आप लोग के साथ गाना शेयर करती हूँ और आप लोग गेस करिएगा कौन फिल्म है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ गाना शेयर करती हूँ। तो हुस्न की मल्लिका रूप की रानी, ख्वाबों की शहजादी, जब से मिली है वो मुझको तो दिल में हुई है, क्या बोलते आबादी है, हो। हुस्न की मल्लिका रूप की रानी, ख्वाबों की शहजादी, जब से मिली है दिल में उठी है ये कैसी आबादी। सोच रहा हूँ किससे पूछूं, उस लड़की का नाम है ला ला। मुझे ऐसे से आता भी नहीं, तो मैं इतना सुनी तो सोची आप लोगों को सुना, बहुत अच्छा गाना है। तो बताइएगा कौन फिल्म का गाना है आप लोग। और मैं अभी यही फिल्म देख रही हूँ। तो देखिए गर्मी कितना हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर फिल्म देखूँगी और रखी हूँ ग्रीन टी बनाकर। नाश्ता करने के बाद ग्रीन टी पीऊँगी। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी बताइएगा। और ब्लॉग में बने रहिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और बताइएगा कि गाना कौन फिल्म का है। मैं फिल्म का नाम नहीं बता रही हूँ, बताइएगा आप लोग गेस करिएगा। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। हे एवरीवन, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। अभी जस्ट दूध वाले भैया हैं, दूध रखी हूँ बॉयल होने के लिए। और आज इस वाले रूम का बेडशीट धोई थी, तो सोची कि मतलब चादर लगा दूँ, तो चादर लगा कर अब खोल लगा रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। और अभी तक मैं फिल्म देख ही रही हूँ, अभी नहीं ख़त्म हुआ है, अब लास्ट ही मतलब चल रहा है। तो मतलब इस वाले ब्लॉग में मैं गाना शेयर की हूँ, तो बताइएगा कौन फिल्म में देख रही हूँ। आप लोग को रखती हूँ मैं यहाँ। देख ली मैंने, अब लास्ट का ही मतलब चल रहा है। तो सोची कि लास्ट का भी थोड़ा देख लूँ और उसके बाद थोड़ा देर में सोऊंगी, क्योंकि नींद भी आ रहा है, बार बार हाई आ रही है नींद, मतलब सोने टाइप का। तो लास्ट का लग रहा है मुझे 10-15 मिनट और फिल्म है, तो देख के उसके बाद में सोऊंगी। तो बहुत अच्छा फिल्म है, आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट करिएगा, मैं तभी फिल्म का नाम भी बता दूँगी। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं ये फिल्म देखे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है आप लोग ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये फिल्म बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है। तो मैं भी देखी हूँ पहले, लेकिन जब भी देखती हूँ तभी लगता है मतलब इंटरेस्ट आता है कि पूरा देखूँ आगे क्या और होगा। तो चलिए मैं फिल्म पूरा देखती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा देर सोऊँगी और डायरेक्ट अब आप लोगों से मैं शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है, अब डायरेक्ट शाम को ही मिलूँगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद ही मिलती हूँ आप लोगों से। एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए मैं उस टाइम में मिली थी, उसके बाद सीधा अभी मिल रही हूँ। और पता नहीं मेरे फेस में ना खारिश टाइप का हो गया, देखिए सब। और अभी क्यों मिल रही हूँ, क्योंकि मैं चली गई थी बच्चों को मतलब स्कूल से लाने, स्कूल से लेकर अभी आई और बर्तन धोई हूँ और उसको मतलब मांज ली हूँ, सिर्फ धोना है। तो बने रहे ब्लॉग में, ब्लॉग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आते जाते लेकर आते जाते शाम हो गया, मैं बर्तन धोती हूँ, ब्लॉग में बने रहे।
चलिए मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ और छत पर से कपड़ा लाती हूँ, फोल्ड करती हूँ तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। और बहुत गर्मी है, कपड़ा अभी वही पहनी हूँ, गई थी पहन कर वही, तो इसको चेंज करती हूँ, नया गाउन डालती हूँ, उसके बाद कंफर्टेबल लगेगा काम करने, नहीं तो अभी गर्मी के चलते हालत ख़राब हो रहा है, देख कितना स्वेलिंग हो गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ, थोड़ी देर बाद कपड़ा वपड़ा चेंज कर कर और छत पर से कपड़ा लाती हूँ तब। हेलो, तो देखिए मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली, मुँह थोड़ा धो ली, पता नहीं मेरे फेस में ना खारिश टाइप का हो गया है, अभी कैमरा में तो नहीं दिखेगा लेकिन छोटा छोटा दाना टाइप का हो गया है, तो मतलब मुंह भी धो ली कि कहीं गर्दा उर्दा से भी हो रहा है कि पता नहीं किससे हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा है। और कपड़ा लेके आई हूँ इतना सारा, और रखती हूँ इसको, मतलब फोल्ड करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना है, मतलब ना कि दिन सुबह में काम करो उसके बाद फिर शाम में हम लोग लगता है कि सोते हैं तभी आराम मिलता है, नहीं तो दिन भर काम ही काम। इतना कपड़ा देखिए यहाँ पे लेके बैठी हूँ सारा कपड़ा, ये सबको तय करना है, उसके बाद क्या बोलते हैं बीन जाया कि ना, बीन्स की बोरी बोलते हैं मालूम नहीं, लंबा लंबा होता है बड़ा बड़ा, वो आया मतलब कि नागे बाजार से, कल मैं गई थी तो वही लाइम खरीद कर, तो उसी का सब्जी और रोटी बनेगा, और दही है, मन करेगा जिसको दही के साथ खाएंगे, जिसको मन करेगा वो अपन रोटी सब्जी खाएंगे। अब और कुछ तो मैं नहीं बना सकती, बहुत खारिश हो गया, पता नहीं क्यों खारिश हो गया, तो क्या लगाऊं मुझे मालूम नहीं चल रहा, देखती हूँ एलोवेरा लगा कर, कल से एलोवेरा लगाती हूँ तो देखती हूँ पता नहीं उससे ठीक होता है क्या होता है। देखिए छोटा छोटा दिख रहा है, देखिए कैमरा जूम करने पर दिख रहा है। तो चलिए मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। और ये इधर क्या है ना कि चोर का बहुत हल्ला है, इसीलिए आज बस नहीं आया बच्चे का, मतलब स्कूल से बस आज नहीं आया, बस ख़राब हो गया, तो मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि जाकर बच्चे को पहले लेकर आओ, काम बाद में होगा, तो दौड़ी दौड़ी गई बच्चों को लेकर आई, उसके बाद उनको खिलाई, अब बच्चे चले गए ट्यूशन, अब मैं फटाफट सब काम की, और काम करने के बाद तो कपड़ा लेके बैठी हूँ, उसके बाद वो मतलब बोड़ी की क्या बोलते हैं वो रखा है, उसको बनाऊँगी, उसके साथ रोटी बनाऊँगी, तो आज का हम लोग का डिनर यही रहेगा रात पर। और चलिए मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ, बकबक नहीं करूँगी नहीं तो और ब्लॉग लंबा हो जाएगा। और ये इतना खुजली कर रहा है ना, मन कर रहा है शेर पर भी खूब खुजाओ, पता नहीं क्यों। तो चलिए मेरा ब्लॉग गया है बिहारी मछली का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा बिहारी मछली कैसे बनता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, वैसे बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर मतलब ट्राई करिएगा, जो मतलब जो खाते हैं उनको मालूम ही होगा, जो नहीं खाते हैं तो प्लीज़ वो लोग ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगता है। अभी हम लोग का नहीं मतलब मुंह में पानी आ गया, अभी हम लोग मांस मछली नहीं खा सकते क्योंकि पितर पक्ष शुरू हो गया है, तो मेरे ससुर जी का मतलब इसी साल इस पर मतलब डेट हुआ था, तो हम लोग 4 दिन उनके लिए मतलब ये सब छोड़ दिए हैं, जिस दिन वो बीते हैं उनका वो दिन निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग मतलब जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसा ही रहेंगे, पूजा पाठ वो सब कुछ नहीं अभी हो रहा है, तो इसीलिए तो आप लोग एक बार मतलब ये पितरपक्ष से पहले का वो ब्लॉग है, तो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो बनाकर ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ, पता नहीं ब्लॉग कितना देर का हो जाएगा, कपड़ा फोल्ड करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ आप लोग एक प्लेस पर, यहाँ से देखिए कितना कपड़ा है। सब फोल्ड हो गया, अब ये अपने अपने जगह पे रखती हूँ, और जो बच्चों के कपड़े हैं वो बच्चे आएंगे तो अपने खुद से रखेंगे, कम से कम कपड़ा भी तो खुद से अपने अपने कबर्ड में रखेंगे, तय कर दी हूँ। क्या करूँ, अकेले नहीं बोलते कि अकेले आदमी परेशान हो जाता है, वैसा ही मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ, दिन भर घर का सारा काम करो, उसके बाद स्कूल भी जाओ, और
क्या बोलूँ, अब इस टाइम में मतलब दिन भर काम करिए ना, तो इस टाइम में आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि आप थक गए हैं, आप चुपचाप, अब कोई होता तो खाना बना के देता और हम लोग चुपचाप सो जाते तो ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी, क्या करें, करे या ना करे करना ही पड़ेगा, हम लोगों तो मजबूरी है, नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर कल वाले ब्लॉग में, आज का ब्लॉग तो ऐसे चुटुर पुटुर में ही चला गया, कुछ दिखा भी नहीं पाई आप लोगों को। खाना बनाऊँगी वही बोड़ी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, तो उसमें क्या स्पेशल है कि आप लोगों को दिखाऊँगी, कुछ स्पेशल बनेगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। और ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कॉमेंट करिएगा, और क्या बोलूँ, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा हो गया, लंबा नहीं हुआ हो तो खाना उना बनाती तो शेयर करती, लंबा हो गया इसलिए इतना ही एंड करती हूँ। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग में, और क्या बोलूँ, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। बाय बाय।